ये देखिए आप, होली हमारा मुख्य त्योहारों में से एक है। इसको रंग बिरंगा त्योहार भी कहा जाता है। होली पर विशेष रूप से गाय के, भैंस के गोबर से ये बनाए जाते हैं। इनको बिड़कले कहते हैं हमारे यहाँ पे। देखिए, माता जी ने इनके बिड़कले बना दिए हैं, ये सूख के तैयार हो चुकी है। अब इनकी माला पिरोई जा रही है। होली पर इनको चढ़ाया जाता है। ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। क्या बना रहे हो जी आप? ये बना रहे होई माता के बिड़कला। जब होई माता पूजन जाएंगे, जब लेके जाएंगे इनको और होई माता को ऊपर डाल लेंगे, उनके रख कर होई माता की पूजा करेंगे। बच्चों का के लिए शुभ है। ये क्यों बनाया जाता है? ये माला है, बच्चों की नाम से बनाई जाती है। भगवान रक्षा करे, होई माता रक्षा करे बच्चों की। इसमें क्या क्या बनाया आपने? इसमें गोबर, गोबर का बनाया है, और कुछ नहीं मिला है इसमें। ये क्या क्या डिजाइन बनाया, कि क्या क्या चीज बनाते हैं इसमें? इसके मैं बनाया ढाल बनाई है। भगवान ढाल आगे रखागा, बच्चों की रक्षा करेगा। बिड़कला बनाए हैं, इसमें चांद सूरज बनाए हैं। होई माता के लिए पिद्धा बनाया है, और कुत्ता की जीभ बनाई बना के डाली जाती है। इसमें बहुत बहुत चीज डाली ये जाती कैसी सुंदर माला बन गई है ये? ये बीच में बड़ा सा ये क्या है? है। ये ढाल है, ये ढाल आगे आती है, रक्षक करती है। ये रक्षा करने के लिए ढाल होती है। इतने सुंदर माला बनाई है। बाजारों में तो शायद ये दुकानों पे बिकती है, लेकिन गांवों में तो मिल जाती है। कितनी सुंदर माला बनाई है। जब होली पे जाएंगे तो तो इनको लेके जाएंगे। हाँ बच्चे लेके जाएंगे। फिर ये माता होई का उन्हें फिर बासुड़ा आता है, उस पर भी ले जानी पड़ती है। उस पर माता को भी एक कर माता को चढ़ और कितनी सुंदर माला पिरोई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये गुड़गड़ी है, ये माँ की गुड़गड़ी है। ये गुड़गुड़ी है, देखो गुड़गुड़ी ये गुड़गड़ी पूरी है, जीभ है, पीड़ा है, हर चीज बनाई गई है। इतना सुंदर है हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा। इस परंपरा को ये चांद है, पूरे पुराया जाता है। ये पिड्ढा पुराया जाता है, माता बैठेगी पिड्ढा के ऊपर। ये सूरज पुराई जाती है। Thank you.